गुड मॉर्निंग, नमस्ते मेरे प्यारे फ्रेंड्स। तो नवरात्रि शुरू हो गई हैं, पर जब तक आपको ये मेरा वीडियो मिलेगा, नवरात्रि के थोड़े बाद ही मिलेगा, क्योंकि घर में गेस्ट्स आए हुए हैं और नवरात्रि मैंने बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करी। तो जैसा कि आज नवरात्रि है, तो मैं सुबह सुबह उठ गई, नहा धोकर मैंने फ्रेश अपने कपड़े पहन लिए। मैंने पहना अपना पिंक कलर का कुर्ता, साथ में अपने टाइट्स पहन लिए, और मैंने जो है माता का जो भी मुझे सामान चाहिए था, तो इस बार मैंने ऑनलाइन सब मंगवा लिया। यू नो, ऑनलाइन पूरे एक पैकेट में मुझे सब सामान मिल गया था, जिसमें सिंदूर था, मौली थी, अगरबत्ती थी, सब कुछ, फूल थे। तो जो जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल गई थी, और मैंने भगवान का, देवी माता की पूजा करी, आरती करी, और उनका फ्रूट्स उनके आगे रखे। तो इस तरह जो है मेरा फर्स्ट डे जो है नवरात्रि का गया। मॉम भी मेरे साथ थी और मेरे सिस्टर भी आई हुई थी, तो काफ़ी अच्छा लगा। जय माता रानी, शुभ नवरात्रि। आप नवरात्रि के दिन क्या करते हैं, मुझे प्लीज जरूर बताना। ये मेरा आउटफिट था, बड़ा सिंपल सा मैंने आउटफिट जो है सुबह पहना था। और खाने में इस दिन बने थे लंच में मसाले दाल चटपटे आलू बने थे, साथ में था लौकी का रायता बना था, और साबूदाने की खीर थी। तो ये जो है लंच में बना था, जो कि बहुत ही टेस्टी था। यू नो, नवरात्रि के दिन हम कुछ भी प्याज लहसुन अदरक कुछ भी यूज़ नहीं करते, पर खाना इतना टेस्टी बनता है कि बस मज़ा आ जाता है। तो इस तरह जो है मैंने अपना जो है फर्स्ट डे नवरात्रि का करा। और इससे मुझे अपने शाम को एक न्यू आउटफिट पहनना था, तो उसके लिए जो है मैं शॉपिंग के लिए गई थी, और मैंने जो है मैं अपना न्यू आउटफिट ख़रीदा। और इस दिन यू नो, बहुत दिल से हर किसी के लिए अच्छे अच्छे वाइब्स बोलते ना, पॉजिटिव वाइब्स सबके लिए आते हैं, और सुबह और शाम देवी माता के आगे दीपक तो जलाते ही हैं। सो गाइस, लेट मी शो यू माई आउटफिट दैट आई बॉट फ्रॉम वेबसाइट। इट्स अ ब्यूटिफुल सेट, गरारा सेट। आई बॉट गरारा अ शॉर्ट टॉप एंड अ दुपट्टा। सो गरारा कॉस्टेड मी ऑलमोस्ट 1000 baht। शर्ट, इट वॉज शॉर्ट कुर्ती, इट वॉज आई थिंक 899, एंड दुपट्टा विच कॉस्टेड अराउंड 599। सो इट्स रियली ब्यूटिफुल। तो मैंने अपने गरारा सेट के ऊपर थोड़ा फेस्टिव लुक लाने के लिए मैंने जो स्लीव्स थी, जो बेल स्लीव्स थी, उसके ऊपर थोड़ा सा गोटा लगा लिया, और फिर मैंने अपने गरारा के ऊपर भी गोटा लगा लिया, तो जिससे वो बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो ये है मेरा सेट, और यू नो, इसके ऊपर ये सारा काम करा हुआ है, नेक के ऊपर काम है, तो इसे जो है इसकी जो लुक थी और भी सुंदर हो रही थी। सो इट हैज फ्लोरल प्रिंट, बड़े बड़े फ्लावर्स थे जिसके अंदर पिंक है, पिंक येलो के ऊपर पिंक फ्लावर्स, बड़े सुंदर लग रहे हैं। तो अब देखते हैं मैंने अपनी ज्वेलरी में क्या पहना। तो मैंने बड़े बड़े अपने कान के इयररिंग्स पहने हैं, जो आपको मैं दिखा रही हूँ। जैसे कि मैं, आपने देखा मेरे जो पियर्सिंग है वो दो पियर्सिंग है, तो मैं एक में दोनों में बड़े बड़े अपने झुमके पहन लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ब्लैक कलर की बिंदी लगाई थी, और उसके ऊपर जो है मैंने थोड़ा थोड़ा काजल से ही, जो मेरा आईलाइनर था, उससे एक डिज़ाइन बना लिया था, जिससे कि बहुत सुंदर लग रहा था। और गले में जो है, इस बार जब मैं नॉर्थ गई थी, तो ये मैंने गले का जो है अपना नेक पीस जो है वहाँ से मैंने ख़रीदा। ये जो है पूरी लुक है, ये लुक को मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी। और जो आप देख रहे हैं साइड पे, वो मेरे लास्ट ईयर के आउटफिट्स हैं जो मैंने पहने थे नवरात्र के समय। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज़ जल्दी से कर दें। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेरे चैनल को बहुत सारा प्यार दें, और मुझे ज़रूर बताएं कि मेरा ये लुक आपको कैसा लगे। आप कमेंट कर सकते हैं, या मुझे मेल भी कर सकते हैं, और मुझे बता सकते हैं कि आपको मेरा ये आउटफिट कैसा लगा। और गाइस, आज से तो 9
दिन तो बहुत सारा डांडिया होने वाला है, गरबा होने वाला है, तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना कौन कौन गया है। मैं तो जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा खेलना नहीं आता पर हाँ इंजॉय करना आता है, तो बस माता रानी तो होंगी और मैं वहाँ पर खूब मज़े करूँगी। सो इट इज़ नवरात्रि की मतलब देवी माता की पूजा करना, डांडिया खेलना, यमी यमी खाना खाना, नए नए कपड़े पहनना, तो खूब इस तरह से इंजॉय करा। और बेस्ट पार्ट है इस बार जो है मेरी सिस्टर मेरे साथ थी, जो कि मैं सिस्टर साथ थी तो बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग थी और खूब इंजॉय करा। कोई भी फेस्टिवल होता है मुझे लहंगा या गरारा या प्लाजोस या लॉन्ग स्कर्ट्स पहनना बहुत अच्छा लगता है। तो ओवर द ईयर्स मेरी जो कलेक्शन है इतनी बड़ी है मेरे पास कि आई थिंक मैं एक नया वीडियो आपके लिए ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं अपने सारे गरारा शरारास मैं आपको सब दिखाऊंगी, और जो कि बहुत ही सुंदर हैं सब के सब। मुझे करारा के साथ जो है शॉर्ट्स शर्ट्स बहुत अच्छी लगती हैं या शॉर्ट कुर्तीज़ बहुत अच्छी लगती हैं जिसके जो है बेल स्लीव्स होने चाहिए, तो बेल स्लीव्स मुझे पहनना बहुत पसंद है। मैं आपको और भी क्लिप्स दिखाऊंगी जिसमें मैंने और क्या आउटफिट्स पहने थे, देर अराउंड 4-5 ऑफ देम। एक तो ये है जो कि मैंने प्लाजो पहना था ब्लू कलर का, मैंने ऊपर दुपट्टा लिया था जो बहुत सुंदर लग रहा था, और साथ में मैंने एक टॉप पहना था, थोड़ी सी ज्वेलरी पहनी थी, और ये जो है मैंने आउटफिट पहना था। तो इस दिन प्रसाद तो बनता ही है, तो उसके लिए मुझे जो जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह चाहिए थे वो मैंने पहले ही मंगवा के रख लिए थे। फ्रूट्स मैंने ऑनलाइन मंगवा लिए थे क्योंकि मुझे वो ईजी लग रहा था। तो बस इस समय इस दिन जो है मैंने अपनी पंजाबी जुत्ती पहनी थी अपने गरारे के साथ, अपने जो आउटफिट के साथ, और जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। पंजाबी जुत्ती ऐसी है, मोजरीज ऐसी हैं कि आप इसको किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हैं, जीन्स, साड़ी, शर्ट। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो, सो टेक केयर, बाई।